तो भाई कल के दिन जो मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, उस मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने भी कल के दिन ये ऐलान कर दिया कि अभी हम जिंदा हैं। Not to worry, उदय, अभी हम जिंदा हैं। देखो जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी ना और आईपीएल को बीते लगभग एक महीना होने को आ गया था, तो उस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि इस बार का जो आईपीएल सीजन है उसमें इतनी कॉम्पिटिटिवनेस देखने को नहीं मिल रही है। जो ऊपर की टीमें हैं वो जीते जा रही हैं, जो नीचे की टीमें हैं वो हारी जा रही हैं। लेकिन पिछले भैया 6-7-8-10 दिन से, जब से खासकर आरसीबी ने मैचेस जीतना शुरू किए हैं, उसके बाद ये जो प्रतियोगिता है और ज्यादा भैया टक्कर वाली हो गई है। क्योंकि इस वक्त पे भाई कोई भी प्लेऑफ में पहुंच सकता है, कोई भी प्लेऑफ से बाहर हो सकता है। और अब भी जो टॉप टू पे राजस्थान और कोलकाता बनी हुई हैं, कुछ कंफर्म नहीं है कि ये दोनों टीमें टॉप टू में रहेंगी या फिर प्लेऑफ्स में बॉटम टू में रहेंगी। बॉटम टू से पॉइंट्स टेबल में बॉटम टू का मतलब नहीं है, प्लेऑफ में बॉटम टू का मतलब है। क्योंकि भाई हम सबको पता है कि आईपीएल में सबसे मजा इसी में तो आता है कि प्लेऑफ में पहुंच के भी एक प्रतियोगिता चलती है टॉप टू में पहुंचने की। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप टॉप टू में रहते हो तो आपको फायदा मिलता है, आप मैच हारने के बाद भी प्लेऑफ से बाहर नहीं होते हो, एक और बार आपको चांस मिलता है फाइनल खेलने का। तो इसीलिए भैया टक्कर बराबर बनी हुई है। और दिल्ली कैपिटल्स भी कल के दिन, जैसा मैंने कहा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अभी हम बहुत ही अच्छे से जिंदा हैं, इतने अच्छे जिंदा हैं कि जो चेन्नई इस समय थर्ड पोजीशन पे है, अगर वो अपना अगला मैच हार जाती है, दिल्ली कैपिटल्स अगर अपना अगला मैच जीत जाती है, तो भाई सीधे दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई से ऊपर निकल जाएगी। इसीलिए तो आईपीएल देखते हैं। मतलब आसान भाषा में तुम ये समझ लो कि इस समय पॉइंट्स टेबल पे दो टीमें ऐसी हैं जिनके 16 पॉइंट्स हैं, चार टीमें ऐसी हैं जिनके 12 पॉइंट्स हैं और चार टीमें ऐसी हैं जिनके 8 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो एक मुंबई इंडियंस ही ऐसी टीम है जिसको हम कंफर्म बाहर मान सकते हैं। हाँ ऑफिशियली वो भी बाहर नहीं हुई है, लेकिन भाई वो तो प्ले ऑफ में पहुंचने से रही। तो ऐसे में मतलब भाई अब भी लगभग 9 टीमें ऐसी हैं जो बहुत ही आराम से प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। लेकिन भाई देखो सबको पता है कि कल जो मैच खेला गया वो असल में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स थोड़ी था, वो मैच असल में था संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत। क्योंकि कल का मैच ऐसा था जहां किसी भी टीम को कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई ये देखना चाहता था कि कुछ ही दिनों में जो T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होना है, वहां पे आखिर इंडिया का लीडिंग विकेटकीपर बैट्समैन कौन होगा। वैसे तो कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत ही यहां पे इंडियन टीम की पहली चॉइस है, ऋषभ पंत ही इंडियन टीम के लीडिंग विकेटकीपर बैट्समैन है। लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत के पिछले कुछ मैचेस बहुत ही डिसेंट रहे हैं और जिस तरीके से संजू सैमसन ने पिछले कुछ मैचेस में अपना जलवा दिखाया है, उसे देख के तो यही लग रहा है कि शायद T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मैच में जो इंडिया की प्लेइंग 11 होगी उसमें ऋषभ पंत नहीं संजू सैमसन दिखेंगे। अगर कल के मैच की भी बात करें तो भाई कल के दिन संजू सैमसन ने जो पारी खेली, मतलब जो पारी खेली, 46 बॉल पे 86 रन जड़े, 8 चौके मारे, 6 छक्के जड़े, और भाई इतनी आसानी से बंदा छक्के मार रहा था, इतनी आसानी से मार रहा था कि अगर भाई कल के दिन संजू सैमसन को वो वाहियात अंपायरिंग का शिकार ना होना पड़ता ना, तो भाई बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से कल का मैच संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को 100% जिता गए होते। वहीं पे अगर बात करें कल के मैच में ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस की, तो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाए। 13 बॉल खेली, मात्र 15 रन बनाए, वो भी उस मैच में जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान के आगे इतना बड़ा टारगेट रखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी सी यहाँ पे श्योरिटी रोहित शर्मा के मन में तो आई गई होगी कि पहले मैच में जब प्लेइंग 11 खिलाई जाए तो वहां पे किस विकेटकीपर को टीम में मौका दिया जाए। अब देखो भाई, जहां मैंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा कि अगर कल के मैच में संजू सैमसन वो वाहियात और घटिया अंपायरिंग का शिकार ना होते, तो 100% वो मैच संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को जिता गए होते। अगर ये स्टेटमेंट सुनकर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं वाहियात और घटिया अंपायरिंग क्यों कह रहा हूं, क्या सच में संजू सैमसन को वो जो आउट दिया गया वो नॉट आउट था, क्या सच में शाई होप ने वो जो कैच पकड़ा वो कैच पकड़ते वक्त शाई होप की टांगे बाउंड्री रोप को छू रही थी, तो भाई देखो 100% वो छक्का था। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो छक्का नहीं था, 100% कंफर्म संजू सैमसन नॉट आउट थे। भाई चीटिंग तो हुई है, अब चीटिंग मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली कैपिटल्स वालों ने करी, लेकिन भाई अंपायर की तरफ से बेवकूफी हुई है, लापरवाही हुई है। मतलब भाई 2 सेकंड के अंदर एक बार रिप्ले चलाया और सीधे कह दिया आउट है।
है। मतलब भाई चलो फील्ड अंपायर को नहीं समझ में आया इस बात को मैं समझ सकता हूँ, पर थर्ड अंपायर को तो भाई सब कुछ दिखता है, इतनी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ही आराम से हर चीज देख सकता है। और जितना भी दिखाया ना उसे देख के भी साफ साफ दिख रहा था कि भाई शाही होप की जो टांगे हैं वो रोप को छू रही है, रोप हल्की सी हिल भी रही थी और कॉन्टैक्ट तो दोनों के बीच साफ साफ दिख रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बस एक बार रिप्ले चलाया और मात्र 15 सेकंड के अंदर ये ऐलान कर दिया कि संजू सैमसन आउट है। भाई संजू सैमसन चौक गए, वहां डगआउट में कुमार संगकारा चौक गए कि ये हो क्या रहा है। और उसके जस्ट बाद भाई सेकंड लास्ट ओवर में जब वाइट बॉल होती है, उस वाइट बॉल को चेक करने के लिए जो रिव्यू लिया जाता है उस पे 3-4-5-6 मिनट खर्च कर दिए जा रहे हैं, लेकिन भाई जो आउट है बंदा उस डिसीजन को देखने के लिए मात्र 30 सेकंड। मतलब ये किस लेवल की अंपायरिंग हो रही भाई इस आईपीएल में। अभी कुछ मैच पहले राजस्थान रॉयल्स का ही मैच में वो याद है ट्रेविस हेड का एक रनआउट हुआ था जो कि असल में रनआउट था लेकिन रनआउट दिया नहीं गया था। मतलब उस डिसीजन में भी जो ट्रेविस हेड का बैट था वो कुछ सेकंड बाद असल में मैदान के कॉन्टैक्ट में आया था, लेकिन भाई अंपायर ने कहा कि नहीं भैया कुछ सेकंड पहले ही कॉन्टैक्ट में आ गया है तो ट्रेविस हेड यहाँ पे नॉट आउट है। खैर अभी ट्रेविस हेड की बात छोड़ो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कुछ फालतू बात कर रहा हूं कल के दिन संजू सैमसन आउट थे, तो भाई जो रिप्ले असल में टीवी पे हमको दिखाया गया ना, जहां मैं कह रहा हूं कि बहुत ही आसानी से अंपायर वहां पे 3-4 एंगल से देख सकता था। तुम्हें याद है पहले जमाने में जब इस तरीके के कॉन्ट्रोवर्शियल आउट होते थे, नॉट आउट होते थे, तो वहां पे जब भी डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाता था तो भाई जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता था बाउंड्री और बॉडी का, उसको असल में मैग्नीफाई करके देखा जाता था, बिल्कुल भाई जूम करके देखा जाता था कि जो पैर है वो बाउंड्री से टच हो रहा है, मतलब जो भी बॉडी पार्ट टच हो रहा था उसको बिल्कुल जूम करके देखा जाता था। लेकिन भाई कल के दिन एकदम भाई दूर से देख रहे हैं, जूम करके उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई मैं कह रहा हूं जितना पार्ट उन्होंने दिखाया मैंने उतने पार्ट को फोकस करके देखो, इतनी क्लियर इमेज तुमको दिखा दी है, लेकिन इतना मैग्नीफाई करके भी कल के दिन उस डिसीजन को नहीं देखा गया। जबकि मेरे पास तो यही एक एंगल है जो टीवी पे दिखाया गया, अंपायर के पास तो ना जाने कितने एंगल्स होंगे भाई, इतने सारे कैमरे रहते हैं मैदान में, लेकिन भाई साहब ने कहा नहीं देखना है भाई, टाइम नहीं है, बस कुछ ही सेकंड का वक्त है सीधे आउट देने का। मैंने भाई ये जो विकेट था ना, इस विकेट की वीडियो को रिकॉर्ड करा और उसको भाई एकदम जब स्लो मोशन में भी चला के देखा तो भाई इतना साफ दिख रहा है कि जो पैर है शाही होप का वो बाउंड्री से टच हो रहा है, लेकिन उस स्लो मोशन में थर्ड अंपायर से वीडियो तक प्ले नहीं करी गई। मतलब इतना पैसा है बीसीसीआई के पास और ना जाने कितना पैसा उस अंपायर को देते होंगे, पर पता नहीं भाई वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना तो वो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी एकदम स्लो मोशन में, वो पूरी वीडियो स्लो मोशन में ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पर डाल के रखी है। यहां पे मैं प्ले नहीं कर सकता हूं वीडियो, स्क्रीनशॉट में ही दिखा रहा हूं, लेकिन शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग को तो भाई पिक से ही समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी स्लो मोशन वाली वीडियो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पर, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे तुमको साफ साफ दिख जाएगा किस तरीके से शाही होप का पैर जो है बाउंड्री रोप पे छू रहा था। और हल्का सा आपको मूवमेंट भी बाउंड्री रोप पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कुशन क्रिएट हो रहा था, और आप खुद कहेंगे कि भाई क्या घटिया अंपायरिंग हो रही है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस डिसीजन पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर किसी का ओपिनियन ये है कि संजू सैमसन आउट था तो पहले जाके भाई मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे वीडियो देख लेना, ज्वाइन करके देखना, और उसके अलावा कल के मैच की और भी रेयर क्लिप्स देखने को मिलेंगी तो ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक बार वो वीडियो देखना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुमको क्या लगता है वो आउट था या नॉट आउट। अब भले ही देखो कल के मैच में ऋषभ पंत के बल्ले से अच्छी पारी देखने को नहीं मिली, लेकिन भाई कप्तानी कमाल की करी, वो जो 18वां ओवर कुलदीप यादव को दिया ना, मतलब भाई बहुत ही रिस्की डिसीजन था, लेकिन जो भाई दिमाग लगाया, ऊपर से कुलदीप यादव ने भी जो शानदार ओवर डाला, मतलब भाई उस वक्त पे 18 बॉलों पे 41 रन चाहिए थे और भाई दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ से पावल खेल रहे थे, एक तरफ से फरीदिया खेल रहे थे, और वहां पे कुलदीप यादव आके क्या स्पेल डालते हैं, विकेट, एक रन, एक रन, एक रन, एक रन, विकेट, मतलब भाई वो बता देते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बेस्ट स्पिनर किसके पास है, नन अदर देन इंडिया के पास। देखो दिल्ली कैपिटल्स लोग विकेट ले रहे थे वो देख के खुशी या तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि कल के मैच में ऐसा मैं बहुत ही शिद्दत से किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बस ये सोच के देख रहा था कि ऋषभ पंत चल जाए, संजू सैमसन चल जाए, कुलदीप यादव चल जाए, चहल चल जाए, मतलब
मतलब जो भी प्लेयर इंडिया में खेलने वाले यशस्वी जायसवाल चल जाए वो सभी रन मारे, लेकिन भाई चहल तो चले नहीं। चहल तो 4 ओवर में 48 रन दे के आए और उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी ऐसा कुछ नहीं उखाड़ पाए, 2 बॉल पे मात्र 4 रन बन के आए, लेकिन कुलदीप यादव और संजू सैमसन ने दिल जीत लिया भाई। वैसे जहां अभी अभी मैंने युजवेंद्र चहल की बात छेड़ी, तो भाई चहल ने जिस तरीके से आईपीएल की शुरुआत करी थी, जिस तरीके से वो कम रन दे रहे थे, जिस तरीके से ज्यादा विकेट ले रहे थे, उसे ही देख के भाई चहल को T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और उस वक्त मैं भी चाहता था कि भाई चहल जो है स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन भाई उसके बाद से इतना बुरा हग रहे हैं कि इस समय वो आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जी हां, चहल ने आईपीएल 2024 में कुल 416 रन दे दिए हैं। इकोनॉमी रही है 9.90 की, इकोनॉमी तो फिर भी ठीक ठाक रही है, जिसको हम खराब ही कहेंगे स्पिनर के हिसाब से, क्योंकि स्पिनर जो है मोस्ट ऑफ द ओवर्स मिडल ओवर्स में डालता है जहां अपनी हिटिंग नहीं होती है। लेकिन भाई 11 इनिंग में 416 रन पड़वा देना, ये तो साबित करता है कि चहल का फॉर्म वैसा नहीं रहा है जैसा कि शुरुआती सीजन में था। लेकिन भाई जो भी कहो, ये देख के तो कसम से बहुत खुशी मिल रही है कि संजू सैमसन और सीजन की तरह ऐसा नहीं खेल रहे हैं कि 2-4 बहुत ही अच्छी पारियां आ गई लेकिन बची हुई पारियों में पूरे तरीके से फ्लॉप हो गए। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि संजू सैमसन 2-3 पारियां इतनी शानदार खेल देते हैं कि ऐसा लगता है वाह क्या बल्लेबाज है, लेकिन उसके अलावा जो पारियां आती हैं उसमें कभी 2 रन 4 रन 8 रन पे आउट हो जाते हैं। पर इस बार भाई कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, हर मैच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुश्किल वक्त पे आके चल रहे हैं। मतलब भाई कल का मैच अगर संजू सैमसन जिता देते तो भाई कसम से इतनी खतरनाक उनकी फैन फॉलोइंग हो जाती, जो कि ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक है, पर पूरे तरीके से कल के दिन इस बात पे मोहर लगा सकते थे कि भाई सबसे पहले तो मुझे ही आपको प्लेइंग 11 खिलाना पड़ेगा जब बात आएगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की। वैसे अब भी थोड़ा सा लग तो ऐसा ही रहा है कि संजू सैमसन यहां पे फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं, पर अगर आपके हाथ में डिसीजन होता तो आप पहले मैच में संजू सैमसन के साथ जाते या फिर ऋषभ पंत के साथ? जो भी वीडियो देख रहा है अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई याद से वो जो संजू सैमसन का कॉन्ट्रोवर्शियल आउट था ना, उसकी वीडियो मैंने बहुत ही शानदार स्लो मोशन में तैयार करके आपके लिए रेडी करके रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, एक बार जाके वो वीडियो देखना। मतलब वो वीडियो मैं तुमको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये मैं नहीं साबित करना चाहता कि संजू सैमसन आउट थे नॉट आउट थे, वो तो तुमको खुद ही देख के पता चल जाएगा। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि भाई मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास कोई कैमरा एंगल नहीं है, मैंने बस वो वीडियो उठाई है जो असल में उस अंपायर ने, उस थर्ड अंपायर ने मैच में दिखाई, उस वीडियो को भी किस तरीके से ब्रेकडाउन करके मैं समझ पा रहा हूं कि भाई जो पैर है वो बाउंड्री से टच हो रहा है। लेकिन भाई वो बंदा नहीं समझ पाया जिसके पास हजारों टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हजारों कैमरा एंगल है, लेकिन भाई कर भी क्या सकते हैं। और ये जो स्तर रहा है ना इस बार भाई अंपायरिंग का, ये असल में आईपीएल को बेइज्जत कर रहा है, CI को बेइज्जत कर रहा है, इंडियन क्रिकेट को बेइज्जत कर रहा है। पर इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब क्या धांधलीबाजी हो रही है, क्यों हो रहा है जो हो रहा है, हमको तो भाई कुछ नहीं पता। और भाई सबसे खराब बात पता है मुझे कल के दिन क्या लगी, ये जो दिल्ली का ओनर था संजू सैमसन के विकेट पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, आउट है आउट है आउट 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 चिल्ला रहा था। मतलब भाई देखो, मैंने कहा ना मैं कल के मैच में किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बस उन प्लेयरों को चला रहा था जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। लेकिन भाई एक इंडियन प्लेयर के आउट होने पे और उस इंडियन प्लेयर के आउट होने पे जो कुछ ही दिनों में आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा T20 वर्ल्ड कप में, अब उसके आउट होने पे एक ओनर होने के नाते जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, कसम से भाई इस ओनर की वजह से मुझे दिल्ली को हराने का मन कर रहा है अब कि इसको थोड़ा सा सबक मिल सके। खैर मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि भाई इसमें ऋषभ पंत का क्या दोष है या उसकी टीम का क्या दोष है, वो तो पता नहीं भाई क्या अजीब ही क्रिएचर था, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही रीजन है कि कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे भाई बंदे को इतना सुनाया जा रहा था, इतनी गालियां दी जा रही थी और दो पल के लिए ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा डिजर्व करता है, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन था, मैं तो नहीं समझ पाया। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि डिस्क्रिप्शन जो लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबासी का, उसे ज्वाइन करके वो वीडियो एक बार जरूर देखना, मैंने टॉप पे पिन करके रखी है, उस पर क्लिक करोगे सीधे वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कल के ही मैच से बहुत सी रेयर वीडियोस भी वहां डाल के रखी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। वो जो मैंने बताया ना दिल्ली के ओनर का रिएक्शन, वो भी आपको एकदम रॉ फॉर्म में वहां देखने को मिल जाएगा। जो फुटेज असल में टीवी में देखने को नहीं मिली थी वो वहां आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वीडियो को देखो और उसके बाद एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि संजू सैमसन आउट था नॉट आउट थे और कौन होनी चाहिए पहली चॉइस, संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत। जो भी जवाब हो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।